नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन श्रीवास्तव और मैं हूं सारंगदेव सिंह। आपका स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल अपडेट जंक्शन पर। और आज का हमारा वीडियो होने जा रहा है सेकंड रिएक्शन वीडियो, जो कि फिल्म है गांधी गॉड से और जो कि 26 जनवरी 2023 को रिलीज होने जा रही है, यानी पठान से एक दिन बाद। बिल्कुल बिल्कुल, तो देखना होगा कि धमाल धमाल हो सकता है पठान पर भी। पठान पे जैसा कि आप लोग जानते हैं काफी सारी कॉन्ट्रोवर्सी इस समय चल रही है और अगले ही दिन गांधी गॉड से भी रिलीज हो रही है, तो देखना होगा कि किस फिल्म कौन सी फिल्म जो है सिनेमा इंडस्ट्री में तबाही मचाती है। फिल्म की डिटेल दे देते हैं सारंग भाई थोड़ी। सबसे पहले तो बता दूं कि गांधी गॉड से एक युद्ध जो कि 26 जनवरी को रिलीज होने जा रही है और इसके डायरेक्टर हैं राजकुमार संतोषी जी, और राजकुमार संतोषी जी इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं, तो एक तरीके से मतलब प्रोडक्शन में उनका डेब्यू होने जा रहा है। और इससे पहले उनकी एक मूवी आई थी लेजेंड ऑफ भगत सिंह, तो वो दो ये और वो मूवी काफी सिमिलर लग रही है मुझे, क्योंकि वो भी एक नेशनलिज्म पर बेस्ड मूवी थी, नेशनलिस्ट हीरो पर बेस्ड मूवी थी, और सिमिलरली ये बट थोड़ी सा डिफरेंट हो गई क्योंकि गांधी गोड से है इस मूवी का नाम। तो देखते हैं पहले ट्रेलर, उसके बाद चर्चा करेंगे बाकी। पीवीआर पिक्चर्स एलएनपी। गांधी और घोटसे पर लगाए गए हैं कई आरोप। गांधी की हत्या कर दी और घोटसे की आवाज को दबा दिया गया। समय ने उन्हें अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया, ये फिल्म दे रही है। आमने सामने है गांधी और घोटसे, और उनके बीच होता है विचारों का युद्ध। अगर इस संसार को बचाना है, मानवता को बचाना है, तो हिंसा को, हर तरह की हिंसा को छोड़ना होगा। आपके पास एक बहुत खतरनाक हथियार है, आमरण अनशन, जिसका बार बार इस्तेमाल करके आप लोगों से अपनी बात मनवाते हैं। ये भी एक प्रकार की हिंसा है, मानसिक हिंसा। ये तो फिल्म का ट्रेलर तो काफी बढ़िया लग रहा है, देख करके अभी चीजें समझ में आ रही हैं, क्योंकि इससे पहले भी अमन जी काफी सारी मूवीज आ चुकी बन चुकी हैं गांधी जी के ऊपर, काफी सारी मूवीज बन चुकी हैं, ऐसा नहीं है ये पहली मूवी है, लेकिन इस फिल्म में जो है एक ये काल्पनिक तरीके से भी ये तो मैंने भी पढ़ लिया था IMDb पे जाकर, आप सब अगर देख लेंगे तो उसमें सब कुछ लिखा हुआ है की एक तरीके से ये फिक्शनल स्टोरी है, काल्पनिक कहानी है बताई गई है, क्योंकि मतलब यूजुअली तो हुआ कि ये था कि गांधी जी को गोली लग जाती है मर जाती है, बट एक्चुअली इस मूवी में क्या दिखाया जाएगा कि गांधी जी को गोली लगती है लेकिन वो कहीं ना कहीं बच जाते हैं, सरवाइव कर जाते हैं, और फिर उसके बाद गोडसे को जेल हो जाती है और गांधी जी वहां पर जाके उनसे मिलते हैं, तो उनके बीच का कॉन्वर्सेशन होती है, फिर ये जो उसमें बताया भी गया ट्रेलर के अंदर विचारों का युद्ध विचारधारा क्या थी, दोनों विचारधाराएं बताई गई, अलग अलग विचारधारा थी, विचारों का युद्ध जो कुछ होता है, तो मुझे लगता है कि इस मूवी का थीम भी यही होगा विचारों का युद्ध। बिल्कुल, क्योंकि गांधी गोडसे दो एक अलग अलग आदमी थे, अलग अलग इंसान थे, तो ट्रेलर तो हम देख चुके हैं, तो नेहरू जी कितने नेहरू जी का जो है बहुत बढ़िया है, नेहरू जी बढ़िया लग रहे थे। पवन चोपड़ा जी ने जो किरदार निभाया है नेहरू, जवाहरलाल नेहरू का, तो काफी रियलिस्टिक लग रहा है, कैरेक्टर सारे रियलिस्टिक दिख रहे हैं हमेशा की तरह, क्योंकि और भी मूवीज इससे पहले बनती आई हैं, लेकिन उनसे भी अगर आप मुकाबला करके देखें तो कैरेक्टर सारे रियल लग रहे हैं, ओरिजिनल लग रहे हैं, बट अब क्योंकि चूंकि ये फिक्शनल स्टोरी है, काल्पनिक कहानी है, तो देखना होगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपनी आइडियोलॉजी को रिवॉल्व, मतलब एक आइडियोलॉजी उनकी अपनी है ना, कि क्योंकि जो मूवी बना रहे हैं एक तो वो काल्पनिक कहानी है, अब अगर आपने इसमें ये दिखा दिया है अमन की गोली लग जाती है लेकिन वो बच जाते हैं, उसके बाद क्या कुछ हो सकता है, तो ये तो आप फिर आप कहीं ना कहीं आप खुद सोच रहे हैं कि क्या हो, कुछ हो सकता था, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक तरीके से आप गोडसे का व्यू पॉइंट डायरेक्टली आप समझाना चाहते हैं लोगों को कि गोडसे ने जो किया क्यों किया, वो बताया भी जा रहा है ट्रेलर के अंदर की
जब गांधी जी बोलते हैं कि मानवता के को बचाए रखने के लिए, इस संसार में मानवता को बचाने के लिए हमें हिंसा के बल हिंसा मतलब बल के प्रयोग को कम करना पड़ेगा, तो दूसरी तरफ वो बोलते हैं, गोडसे बोलता है कि आप जो आमरण अनशन कर रहे हैं एक तरीके से, जो लोगों से अपनी बातें मनवा लेते हैं, ये भी एक तरीके की एक हिंसा ही है, मानसिक हिंसा है। तो मानसिक हिंसा जिस तरीके के लफ्ज का प्रयोग किया गया, तो अब आप समझ ही जाएंगे कि क्यों, मतलब दो, अब आप हिंसा की बात कर रहे हैं एक तरफ वो मानसिक हिंसा की बात कर रहे हैं। तो यही सब विचारों का युद्ध रहेगा गोडसे और गांधी के बीच में। देखते हैं मूवी 26 जनवरी को रिलीज हो रही है, किस तरीके का लोगों का भी रिएक्शन रखता है वो भी देखेंगे। कि और अगर बात की जाए राजकुमार संतोषी जी की, तो काफी नामचीन फिल्म डायरेक्टर हैं जिन्होंने घायल, दामिनी, घातक, खाकी, अंदाज अपना अपना, अजब गजब की प्रेम कहानी और काफी सारी जो है बड़ी बड़ी फिल्मों का अपना डायरेक्शन दिया है, और एज अ प्रोड्यूसर फिल्म में काम कर रहे हैं जैसा कि इस फिल्म है। तो देखना होगा कि एज अ प्रोड्यूसर फिल्म कितना पैसा कमाती है और कितना लोगों का दिल जीतनी है, देखना होगा 26 तारीख को। तो अगर आपको पठान अगर नहीं देखने जाना, लेकिन अमन एक बात है कि पठान और इस मूवी का क्लैश होने जा रहा है तरीके से, क्योंकि जस्ट एक दिन पहले पठान रिलीज होगी और 26 जनवरी को ये मूवी रिलीज हो रही है। तो आप जाइए थिएटर्स में, आप तो दोनों मूवीज देखिए, आप दोनों मूवीज देखिए, दोनों मूवीज देखिए, मेरे ख्याल से आप दोनों ही देखिए। अगर मूवी लवर है तो आप दोनों मूवी देखिए, अदरवाइज अगर आप देखना चाहते हैं तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप गांधी गॉडसे देखेंगे या पठान देखेंगे, क्योंकि एक्शन थ्रिलर मूवी एक तरफ और एक तरफ इस तरीके की मूवी है जो की बिल्कुल ही एकदम आइडियोलॉजिकल बेस्ड मूवी है और गांधी जी के ऊपर बन रही है। तो कहीं ना कहीं वो भी 26 जनवरी एक ऐसे मौके पर रिलीज हो रही है, रिपब्लिक डे पर रिलीज की जा रही है, तो लोगों के दिलो दिमाग पर काफी ज्यादा इम्पैक्ट डाल सकती है मूवी, वो देखना होगा, बाकी तो मूवी देखने के बाद ही बता सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल कुछ की ट्रेलर जिस तरीके से हम लोगों को लग रहा है, तो मेरे ख्याल तो वो कि एक तरीके से अपनी आइडियोलॉजी बता रहे हैं लोगों को कि गांधी अगर गांधी जी की मतलब गांधी जी नहीं मरे होते, तो गोली नहीं लगी होती, तो आगे क्या हो सकता था, किस तरीके की परिस्थितियां बनती आगे, तो वही सब कुछ इस मूवी में दिखाया जाएगा एक तरीके से। अदर साइड इस पूरी स्टोरी का, इस हिस्टोरिकल स्टोरी का जो की हुई थी 1950 में, तो अब देखते हैं कि मूवी किस तरीके से होगी। 26 तारीख को सभी लोगों को पता जरूर आप भी हाँ पता लग ही जाएगा, आप भी जाइए थिएटर्स में एंजॉय करिए खूब। बाकी आपसे किसी दूसरी मूवी के ट्रेलर रिव्यू में मिलते हैं और फिर इसी तरीके से आगे भी मूवी रिव्यूज करते रहेंगे लगातार। फिलहाल के लिए आप हमारे अपडेट जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लीजिए, कॉमेंट भी मार दीजिए। थैंक यू।